जिंदाबाद 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 अमर रहे जग्गो बाबू अमर रहे अमर रहे अमर रहे श्री यादव जिंदाबाद अलोक मेहता जिंदाबाद सभी 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 साथीगण शांति बनाए रखें। अभी हमारे बीच बिहार के भविष्य देश के भविष्य माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ चुके हैं, मंच पे हैं। आलोक मेहता जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोग जी प्रज्वलित कर रहे हैं। देखिए अभी दीप प्रज्वलित हो रहा है, अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए भी देखिए यहाँ पे दीप प्रज्वलित हो चुका है यहाँ पे। और आइए कुछ यहाँ से आपको दिखाते हैं। हटाइए जरा सा, एक मिनट। जब आलोक मेहता जी भाषण दे रहे थे, जब उन्होंने जगदेव बाबू को एड्रेस किया तो बिहार के लेनिन बोल करके एड्रेस किया। हम आलोक जी को और आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जगदेव बाबू की जो कुर्बानी रही है, जो संदेश उन्होंने समाज को दिया है, वो बिहार के लेनिन नहीं बल्कि भारत के लेनिन है। उनकी शहादत को, उनके कुर्बानी को आज हम सब लोग याद करते हैं और उनके विचारधारा पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी के भी नेता रहे, हम लोगों के भी नेता रहे। हम तो ज़्यादा बहुत छोटे थे, उनकी हत्या हो गई, कभी मौका मिला नहीं। लेकिन अपने पिता से जो उनके बारे में सुनने को मिला और कई लोगों के साथ बैठ करके जब चर्चा होती थी जगदेव बाबू की, तो हम सुनते रहते थे, तो उनके विचार से हम लोग प्रभावित रहे। समाजवादी नेता रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी उन्होंने, और आने वाले पीढ़ियों को भविष्य बेहतर हो इसके लिए उन्होंने शहादत दिया, कुर्बानी दी। और हम सब लोग का कर्तव्य बनता है कि इनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। तो आज के दिन आलोक मेहता जी और उनके तमाम साथी, पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता, अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग, जगदेव बाबू के जितने अनुयायी हैं, आज का कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आयोजकों को। आज महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और साफ तौर पे हम लोगों का संकल्प है कि जो देश में जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, उन सबको 2024 में देश के गद्दी से उतारने का काम करें। और ये जो महागठबंधन बना, ये बिहार के हित में है, देश के हित में है। हम लोगों को सत्ता अपनी प्यारी नहीं, लेकिन आप सब लोगों को बताना चाहते हैं
कि जिस प्रकार से आपके देश में जो चंद कुछ लोग हैं वो भगवान राम के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, गौ माता के बारे में हम लोगों को ज्ञान दे दें। धन चंद लोगों के लिए नहीं है, हम लोग भी हिंदू हैं और चाहे हिंदू धर्म हो या भगवान कृष्ण हो, राम हो, गौ माता हो, हमारा बहुत ही पुरातन रिश्ता है। कोई सर्टिफिकेट लेकर के घूमे और बांटे, हमको उसकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। दरअसल जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से हमारा देश का संविधान कमज़ोर हुआ। SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलितों पर हमला शुरू हो गया, लोकतंत्र कमज़ोर हुआ। और हम आपको बता दें कि जितना भाजपा के लोगों ने, RSS के लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, उससे ज़्यादा और किसी ने बदनाम नहीं किया। आज देख लीजिए सड़कों पे क्या हालत हो जाती है। कुछ लोगों को पटका दे दिया जाता है गले में, कुछ गुंडों को वो लोग जो है मारा पीटी शुरू कर देते हैं, गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा, नफरत की राजनीति हो रही है, आपस में लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है। यही काम जो है हर जगह हो रही है और कुछ चंद लोग जो है वही लोग जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और वही लोग हमारे बच्चों को बोलता है कि हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। कोई बुराई नहीं है हिंदी हो या संस्कृत हो, लेकिन जो लोग हम लोगों के बच्चों को बोलते हैं हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश भेजा जाता है। ये बात जो है हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जितने भी बड़े समतावादी हैं, मानवतावादी हैं, संत फकीर हुए, वो सभी मेहनतकश वर्गों से संबंध रखते थे। और हम सब लोगों को एक एक चीज़ इनके मॉडल को, इनके डिज़ाइन को, RSS क्या एजेंडा लागू कर रही है, इसको हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। और आप सब लोग देखते होंगे कि अभी क्या क्या डिस्कशन चला, एजेंडा चला। अब हम पूछना चाहते हैं ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई है, ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? कुछ लोग जो चंद लोग हैं अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको ये लोग निम्न वर्ग बोलता है, यही है ना? तो ये बनाने वाले कौन है? और आप समझिए कि हम लोग संविधान से चलते हैं। देश का अगर सबसे कोई पवित्र किताब है तो वो देश का संविधान है। और संविधान हर एक व्यक्ति को, सबको बराबर के नजरिए से देखता है, सब लोग जो है बराबर है। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की बात होती है तो ये तो संविधान का विरोधी वाली बात है। संविधान का विरोध मतलब देश का विरोध। तो ऐसी बातें पर जो है भाजपा जो है चर्चा कराती है, एजेंडा जो है इस पे जो है चलाने का काम करती है। पूरी तरीके से ये मानवता विरोधी है, इंसानियत विरोधी है।
और कुछ लोग जो कथा कथित ये हम लोगों को जो निम्न वर्ग कहते हैं, अगर कोई निम्न वर्ग में से कथा कथित निम्न वर्ग में से पढ़ लिख करके इनसे सवाल पूछे वर्ण की व्यवस्था के बारे में, तो इन लोग जो है अपने हिसाब से काम करता है। किस हिसाब से, आप लोग सब लोग देखे होंगे जो लोग सवाल करता है इन लोगों से। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू है तो बड़ा छोटा क्यों है भाई? अगर हम सब हिंदू हैं तो बड़ा छोटा कैसे है? तो छोटा बोलता है, कोई निम्न बोलता है, ये तो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को बराबर के नज़रिए से देखना चाहिए। यही तो जगदेव बाबू की लड़ाई थी, यही तो सामाजिक न्याय है कि आपको शिक्षा का भी वही अधिकार है जो उनको है, आपको चिकित्सा का भी वही अधिकार है जो उनको है, हर एक चीज का अधिकार जो है उस सम्मान सबके बराबर है, किसी के लिए जो है अलग नहीं है, इसी बात की जो है लड़ाई है। और आप देखिएगा कि सभी वर्ण के लोगों को सभी जगह समानुपातिक हिस्सेदारी मिलेगी, तभी हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा यहाँ सामाजिक आर्थिक विषमता व्याप्त रहेगी। इसलिए हम सब लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले हैं, हम समतावादी हैं, मानवतावादी हैं और समाजवादी लोग हैं, सभी को एक समान समरूपता से देखते हैं, तभी हम कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है ए टू जेड की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, कोई हमारा भाई जो है पीछे ना छूटे, सबको उसका अधिकार मिले, इसी की लड़ाई जो है हम लोग लड़ते रहे। और आप बताइए, कुछ लोग अगर नारा लगाते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कुछ लोग जो है कहते हैं कि जातिवाद है। अगर जातिवाद होते तो हम जगदेव बाबू को क्यों अपना नेता मानते, हम लोहिया जी को अपना नेता क्यों मानते, हम चौधरी देवीलाल जी को अपना नेता क्यों मानते, हम चौधरी चरण सिंह को अपना नेता क्यों मानते? ये सब केवल और केवल भरमाने वाली बातें हैं और इनके डिजाइन में हम लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग सजग रहिए और इनके डिजाइन को पहचानिए और एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। अभी आप बताइए, अगर आलोक मेहता जी जगदेव बाबू जी का नारा को दोहराए हैं तो क्या आलोक मेहता जी जातिवादी हो गए क्या, बताइए आप लोग। और आप देखिएगा कि आलोक मेहता जी को मारने की धमकी दी जा रही है, कौन लोग हैं ये लोग? चाहे आलोक मेहता जी को मारने की बात हो, धमकी मिल रही हो, चाहे जो मौर्य हैं यूपी में उनको धमकी मिल रही हो मारने की, ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग वही लोग हैं जो देश में धर्म के नाम पर चर्चा करा करके देश को जो है लूटने का काम कर रहे हैं। आज बताइए, आज बजट था कि नहीं था? आज देश का बजट सामने आया, बताइए बिहार को क्या मिला बजट में? बिहार को क्या मिला बजट में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा दिखा दिया। सबसे ज्यादा भाजपा को जो है यहां से सांसद चुनाव जीत करके भेजने का काम किया बिहार, उन सांसदों को, उन मंत्रियों को जो केंद्र में मंत्री हैं बिहार के, उनको शर्म नहीं आता है। क्या लेके आए बिहार के लिए? ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ना बिहार को विशेष पैकेज, एक काम जो है उन लोगों ने नहीं किया। पहले रेलवे बजट आता था, पता चलता था कितना ट्रेन मिल रहा है, कहां से कहां खुल रहा है, किराया कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तो रेलवे बजट को गायब कर दिया ही है। और आप देखिएगा देश कहां जा रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है देश की,
कहीं कुछ नहीं। यही भाजपा के लोग कहते थे कि 2022 में हर घर को जो है पक्का कराने का काम करेंगे, जिसको घर नहीं उसको पक्का घर देने का काम करेंगे। आज 22 हो गया, कहाँ है? यही लोग बोलते थे हर किसानों का दुगुना आय जो है दुगुना करेंगे, 22 हो गया। इस पे आज कुछ भी चर्चा ना, पक्के मकान की चर्चा। ये बोलते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ है? ना नौकरी पे चर्चा, ना महंगाई पे चर्चा। पूरे तरीके से जो है हिंदू मुसलमान धन इसके नाम पर केवल केवल अंदर ही अंदर देश की संपत्ति को बेचा गया। एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया, SBI बिक गया, क्या क्या नहीं बिका, सारे देश की संपत्ति को बेचा जा रहा। खरीदने वाले भी चंद लोग हैं, वही चंद लोग जो है देश को चलाने का काम कर रहे हैं। दूसरे राज्य में इनकी सरकार नहीं होती है तो वहाँ जो है अपने कुछ जांच एजेंसियों को भेज करके जो है तबाह करती है, तंग करती है, खरीद फरोख करके विधायकों का सरकार गिराने का काम करती है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या कर रहे थे ये लोग, वह आप देखिए। आप लोगों के जो जो शक्ति दी है, आप लोगों ने जो हमको ताकत दी है, उस ताकत के बदले जो देश में ये लोग कर रहे थे भाजपा को, उसी तरीके से इनको हम लोगों ने सबक सिखाने का बिहार की धरती पे काम किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टियों को खत्म करना चाहते थे ये लोग, क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते थे ये लोग, आप देख लीजिए। और आने वाले समय में आप सब लोगों से यही हम अपील करेंगे कि आप सब लोगों को एकजुट रहना है। ये लंबी लड़ाई है और हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज महागठबंधन की सरकार बनी है तो जाति जनगणना जो है उसकी शुरुआत हो गई है। कितना बड़ा काम हो रहा 31 के बाद। अब जो है पूरे उत्तर भारत में अगर कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है तो वो बिहार में हो रहा है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। जितने हाउस काउंटिंग है, हाउस होल्डिंग है, उसकी पहले फेज में काउंटिंग शुरू हो गई है और ये 3 से 4 महीने में पूरी प्रक्रिया को जो है पूरा कर लिया जाएगा। पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है, सब कुछ सामने आ जाएगा। और जब सामने आएगा तो एक साइंटिफिक डेटा आएगा, तो उसके बाद आप तय कर सकते हैं जो अंतिम पायदान पर जो समाज है उसको हम लोगों की धारा लाने में, उसके लिए बजट में प्रोविजन करके योजना जो है हम लोग बना सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं कि कौन जो है मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, कौन रिक्शा चलाता है, कौन जो है भूमिहीन है, कौन जो है कचरा साफ करता है, माला साफ करता है, कौन लोग हैं ये लोग। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है सही से बजट नहीं बना सकते, योजना नहीं चला सकते। तो ये डेटा हम लोगों के पास आ जाएगा, सारा चीज पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो इस पर हम लोगों की सरकार काम कर रही है और अभी लाखों की संख्या में हम लोगों ने सरकारी नौकरी को लेकर के जो रिक्त पदे थे उसको भरने के लिए हमारी सरकार ने जो है पूरी तरीके से उसका कैबिनेट से हम लोगों ने किया है, जो सीटें जो भरनी है, पद को सृजन किया है और आने वाले समय में कुछ दिनों में इसकी प्रक्रिया चालू है। स्वास्थ्य विभाग ही 1,60,000 नौकरी सरकारी नौकरी देगा। आप देखिएगा पुलिस महकमे में जो है बड़ी संख्या में जो है नौकरी निकलने जा रही है, लगभग 3 लाख नौकरियाँ शिक्षा विभाग में निकलने वाली है। तो ये सारा जो हम लोगों का कमिटमेंट था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का, कुछ दिनों में देखिएगा ये हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो इसमें हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, इस काम को हम लोग सब लोग जो है पूरा करेंगे। और इतना हम बता दें कि आज आप सब लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, सुबह से आप लोग यहाँ आए हैं और यहाँ लगातार
आप लोगों के बीच जो है कई लोगों ने अपने भाषण को रखा, कई वक्ताओं ने अपने बात को रखा, और हम यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आज जो बातें जो चर्चा यहाँ हुई है इसको आप लोग भूलिएगा मत। और एक बात जान लीजिए आप लोग, किसी की हिम्मत नहीं है कि आलोक मेहता को छू करके दिखा दे। ये बात समझ जाइएगा। और कुछ लोग तो होता ही है गड़बड़ लोग, कुछ बीजेपी माइंडसेट की कुछ मीडिया लोग हैं, बोले हैं क्या तोड़ मरोड़ के दिखाएगा, क्या असली चीज तो दिखाता नहीं है, वो तो एक एजेंडा पे जो है वो काम कर रहा है। तो इसलिए आप सब लोगों को जो है घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जो है मजबूत इरादे के साथ यहाँ से लौटिए, और आने वाले समय में बाद में हम लोग आप लोगों के यहाँ भी हम लोग आएंगे, हर जगह हम लोग घूम घूम करके कार्यक्रम करेंगे और जागरूकता अभियान जो है और तेजी से लेकर के जाने का काम करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए यही चंद शब्द कहते हुए हम अपनी बातों को विराम देते हैं, और आप सब लोगों को इतना जरूर कहते हैं, आप लोगों से हम बस इतना और कहेंगे कि आप लोग जो है 4 कदम आगे बढ़ाइए और हम 16 कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे उन्हीं चंद शब्दों के साथ। और टिकट विकेट की बात है तो उसमें आप लोग चिंता मत कीजिए, जिस हिसाब की हिस्सेदारी है उस हिसाब से आप लोगों को मान सम्मान मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।